भारत के लोकतंत्र की मूल आत्मा ही है जो विकास की व्यवस्था को सबके लिए बराबर देती है। न जाति, न धर्म, न संप्रदाय, न ऊंच न नीच, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन, सर्वधर्म समभाव की भावना को देश में इसी को वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा से जोड़कर देखा जाता है और भारत की मूल आत्मा इसी से बलवती भी होती है। यह उस समय आयामों को समेटे हुए है जब राजनेता आम के हुआ करते थे, अब राजनेता खास के होने लगे हैं। जाति पूछी जाती है, व्यवस्था में समाज पूछा जाता है और बहुत सारी चीजों को लेकर के ऐसे भी कवायद शुरू हो जाती है जिसमें कई चीजें भटकने लगती हैं। राजस्थान लोकतंत्र के महापर्व में है और ऐसे में बहुत सारे आयाम जो निकली हुई बातों से व्यवस्था को भटका देती है। आज की सियासत में हम इसी विषय पर बात करेंगे, जाति पर मचे घमासान की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भूपेंद्र दुबे। तो जाति की बात उठी है तो सबसे पहले उस व्यवस्था के मूल स्वरूप को समझ लेते हैं जिसमें प्रेरणा उस व्यवस्था के साथ होती है जहां हर आयाम को समेटने के लिए सामाजिक समन्वय का एक समीकरण बैठाया गया है। कबीर दास ने बहुत पहले कहा था जाति के ऊपर, पहले इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी की जाति पूछ ली। हम आपको दिखाएंगे कि सीपी जोशी ने क्या कहा था, लेकिन सीपी जोशी के बयान पर जिस तरीके से राजनीतिक घमासान मचा है उसे आपको दिखाते हैं। भाजपा के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद उदयपुर में बयान दिए, उन्होंने कहा कि मोदी और वसुंधरा सरकार के कार्यों में किसी तरीके की समानता तो कांग्रेस के साथ नहीं की जा सकती है। मोदी सरकार के पहले देश में मोबाइल बनाने की दो कंपनियां थी, मोदी सरकार आने के बाद विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं और सीपी जोशी के जो बयान आए हैं वो निंदनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर तो भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी, संवैधानिक निर्णय के बाद ही राम मंदिर बनेगा। तो राजस्थान बीजेपी के प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जोधपुर पहुंचे। जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीपी जोशी ने जो जाति को लेकर बयान दिया है वो आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, इसको लेकर हम चुनाव आयोग जाएंगे और कांग्रेस की मान्यता रद्द कराने की मांग करेंगे। आपको बता दें कि सीपी जोशी ने अपने बयान में कहा था कि मोदी किस जाति से आते हैं, वहीं जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस से घोर सांप्रदायिकता की झलक आती है और यही कांग्रेस पार्टी की मूल परिभाषा भी है।
भाजपा जोधपुर की प्रेस जावड़ेकर जी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। माननीय गजेंद्र, यह एक बड़ा काम मेरे हाथ से ऐसा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया सेंटर में पीसी कर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस सियासत के लिए देश को बांट रही है। अब समाज ही नहीं, साधु संतों की जात पूछी जा रही है। राजनीति में अपनी जगह है, लेकिन देश में समाज, धर्म, संप्रदाय के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने सीपी जोशी के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। ऋषि जिनके अनुयायी आज अनुसूचित जनजाति में है, पूर्वी भारत में बतंग ऋषि के साथ जो लोग अपने को जोड़ते हैं वो महाराष्ट्र में दलित आदि पिछड़ी जातियों में आते हैं। और भारत की उदात्त परंपरा लगातार अनवरत थी। संत रैदास ये सब कौन थे? शायद जब जाति की राजनीति करनी हो तो यथार्थ को भी कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है वहां आप कांग्रेस पार्टी से सीख। तो जाति की सियासत जो राजस्थान में उठी है, हालांकि चुनावी आगाज आज से ही हुआ है और तमाम राजनीतिक दलों ने आज अपनी पूरी ताकत लगाई है, लेकिन सीपी जोशी के बयान के बाद जिस तरीके से राजस्थान में घमासान मचा है उस पर विवाद जरूर खड़ा हुआ। क्या कहा था सीपी जोशी ने, आपको सुनाते हैं। ये अजीब देश हो गया। इस देश में उमा भारतीय लोधी समाज की है, वो हिंदू धर्म की बात कर रही है। साध्वी जी किसी धर्म की, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म की, हिंदू की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों का काम नहीं, ब्राह्मण तो समझ देते नहीं। 50 साल में इनकी अकल बाहर निकल गई। तो सरदार पटेल जी ने देश में एकीकरण का काम किया, तो प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के बिना सरदार पटेल जी कोई काम नहीं कर सकते। पर ये बात बताते नहीं, सरदार पटेल और नेहरू जी की नहीं बनती थी। सरदार पटेल जिंदा होते तो ये काम कर लेते। ऐसी बात करने, भगवान राम होते तो आज की डेट में ये ही काम हो जाता, कोई नरेंद्र मोदी की जरूरत ही नहीं पड़ती। आए कोई नरेंद्र मोदी जी बात करे, भगवान राम का मंदिर बना देते हैं, भगवान राम की मूर्ति लगा देते हैं और भगवान राम की पूजा करते हैं, फिर सबका भला हो जाएगा। क्या संभव है? हम धार्मिक आदमी है, हिंदुस्तान में कोई जाति धर्म का आदमी हो कोई ना कोई धर्म मानता। मैंने फॉर्म भरा तो मैंने जाके पूजा पंडित जी से मुहूर्त निकाला, सिन्हा जी मंदिर के दर्शन किए। आज मैं सेवा में भाषण देने आया तो मुझे कहा कि आप चार पूजा में दर्शन करने चलो, आप माता जी के दर्शन करो। वहां करने के बाद ही आया हूँ मैं। तो मैं कांग्रेसी हूँ, मैं हिंदू हूँ की हूँ। पर कहेंगे नहीं, कांग्रेसी ही नहीं मानते। कांग्रेसी तो मुसलमानों की बात ही करते हैं, कांग्रेस तो हिंदू आदि नहीं करते हैं। समझा मेरे को, ये सर्टिफिकेट देने वाले आदमी कौन है? ये कौन सी विश्वविद्यालय खोला है इन्होंने? जिस विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट है, हम सर्टिफिकेट देंगे तो आप हिंदू, और हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो हिंदू नहीं। यहाँ बैठे हुए इसमें शर्मा के आदमी, उमा भारती की क्या जात है मालूम है किसी को? ऋतुमरा जी की क्या जात है मालूम है क्या? अरे इस देश में धर्म के बारे में कोई जानता तो पंडित जानते, विद्वान पंडित कौन कहते हैं, ब्राह्मण। ये अजीब देश हो गया। इस देश में उमा भारती लोधी समाज की है, वो हिंदू धर्म की बात कर रही है। साध्वी जी किसी धर्म की, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म की, हिंदू की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों का काम नहीं, ब्राह्मण तो समझ देते नहीं। 50 साल में इनकी अकल बाहर निकल गई, नई अकल शुरू हो गई। ये नए नए सिरे से देश में
लोगों को गुमराह करने का काम हो गया। और राज और धर्म दो अलग अलग चीज। धर्म खेड़ी माता जी को मानने वाले लोग भी हैं, सिन्हा जी के मंदिर में जाने वाले लोग भी हैं, चार भुजा नाथ को मानने वाले लोग भी हैं, एकलिंगनाथ को मानने वाले भी लोग हैं, गुरुद्वारे में जाने वाले लोग भी हैं, गिरजाघर में जाने वाले भी लोग हैं। हर एक आदमी को इस देश में आजाद हुआ तो छूट दी, जो जो आदमी जिस जिस धर्म को माने मानना चाहिए। धर्म आदमी को ये प्रेरित करता है एक अच्छा जीवन निकाले, सच बोले, अपना जीवन में न्याय करे, ईमानदारी से अपना जीवन का पालन करे, अपने परिवार का पालन पोषण करे। सभी धर्म ये बात बताते। राज का काम ये नहीं होता, राज का काम होता है नीति बनाकर राज का काम करना जिससे सबका भला हो सके। और वो काम खेती करने लायक काम है। पांच साल में मैं आज एक एक चला जाऊं तो पांच साल में सारी सीमा की सड़कें मैं कांच की बना दूंगा। बहुत जोरदार आदमी कांच की देखी तो ही नहीं, कांच की बना देगा मान लो, कुछ आदमी मान लेंगे यार जोरदार आदमी आया है कि पहली बार सड़कें बनी थी अब ये खड्डे बढ़ रहे थे, ये जोरदार आदमी है कांच की सड़क बना देगा, इसको एक बार कोशिश तो करो, एक बार वोट दे दो कांच की सड़क बना देगा कि बना देगा। तो ये झूठ बोलकर इस देश में लंबे समय तक शासन कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अभी चुनाव आ गए, चुनाव आने के समय में टीवी खोलो भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अरे भाई चार साल में मोदी जी प्रधानमंत्री थे तब टीवी खोल रहे थे। तो सीपी जोशी का मूल वीडियो हमने आपको दिखाया, साथ ही वो वीडियो भी दिखाया जिसमें जाति आधारित बयान की बात उठी है। हालांकि जाति को लेकर के सीपी जोशी ने जो बयान दिया उसके बाद कांग्रेस पार्टी में भी इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बयान को लेकर के कहा कि जिस तरीके से सीपी जोशी ने बयान दिया है उस पर उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के मूल आदर्श आचरण के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी का बयान कांग्रेस के मूल आदर्शों के खिलाफ है, कांग्रेस के सिद्धांतों के खिलाफ है। कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर करते हुए जोशी जी को जरूर गलती का एहसास हुआ होगा। सीपी जोशी के बयान से कांग्रेस पार्टी के आदर्शों के विपरीत है। पार्टी के नेता ऐसा कोई बयान न दे जिससे समाज के किसी भी वर्ग को दुख पहुंचे। राहुल गांधी का ट्वीट, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सिद्धांत कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर करते हैं, जोशी जी जरूर इस गलती का उन्हें एहसास हुआ होगा और अपने बयानों पर वो खेद प्रकट करना चाहेंगे। तो राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया और उन्होंने सीपी जोशी के बयान पर नाराजगी जताई। एक हिसाब से ये भी कहा जा सकता है कि उन्हें सीपी जोशी का बयान राजस्थान के राजनीति के मचे घमासान के बीच किसी बड़े मुद्दे के तौर पर न उठ जाए, इसलिए उन्होंने इसे रख दिया। हालांकि राहुल गांधी के इस बयान के बाद सीपी जोशी का भी ट्वीट आया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया तो उसके बाद सीपी जोशी का भी ट्वीट आ गया और सीपी जोशी ने अपने ट्वीट में कहा कि जिन जो मैंने बयान दिया था राहुल गांधी के बयान के बाद, उन्होंने कहा कि अगर इस बात से किसी की भावना आहत हुई है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। जाति को लेकर जो बयान सीपी जोशी ने दिया था उस पर उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद कहा कि अगर किसी की भावना आहत हुई है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। तो यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए जन टीवी के साथ। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को विदिशा के बासौदा और रायसेन के मंडी द्वीप में जनसभाएं की। बसौदा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि खोखले शब्द और वादे सुनने हैं तो मोदी जी और शिवराज जी के भाषण को सुन लीजिए, सच्चाई जाननी है तो मेरे भाषण को सुनिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैंने शिवराज जी के बेटे के नाम पर पनामा पेपर्स में लिया था तो उन्होंने मेरे ऊपर मानहानि का नोटिस भेज दिया था। अब मैं व्यापम, मिड डे मील, ई टेंडरिंग और खनन घोटाले की बात करता हूं तो शिवराज जी मानहानि की बात नहीं करते, क्योंकि इसमें उन्होंने प्रदेश की जनता के पैसे को चोरी किया है। राहुल गांधी ने अपने चुनावी रैली में क्या कहा था आपको दिखाते हैं इस टेक्स्ट प्लेट के माध्यम से। राहुल गांधी ने कहा देश के हर
प्रदेश में दो ही मुद्दे हैं, पहला बेरोजगारी और दूसरा कृषि। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले सभा में कहते थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन अब वो नहीं कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में युवाओं की बात की, किसानों की बात की। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि युवाओं की बात अब नरेंद्र मोदी नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, किसानों की कमाई की बात नहीं करते, खेती किसानी की बात नहीं करते। बात राजस्थान की कर लें तो जिस तरीके से अब सियासी समर अपने पूरे उफान पर है, मुद्दों की पूरी बारात आई हुई है, ऐसे में युवाओं को लेकर के भी दावे खूब किए जा रहे हैं। बात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की कर लें तो उन्होंने युवाओं के सम्मेलन के साथ ही राजस्थान में चुनावी सभा का आगाज किया, जबकि राहुल गांधी हर मंच से युवाओं की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान में रोजगार को लेकर के स्थिति क्या है और रोजगार कितना मिला है युवाओं को, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान के चुनाव के लिए पिछ रहे राजनीतिक बिशात में कांग्रेस और भाजपा के लिए युवा सबसे बड़े मतदाता हैं। युवाओं को रिझाने के लिए भाजपा और कांग्रेस अपने अपने तरीके से राजनीतिक दांवपेच को खेलना शुरू कर दिए हैं। युवाओं का सबसे बड़ा सपना हाथ को काम है और इसी रोजगार का सपना दिखा करके राजनीतिक दल अपने वादों में एक चाशनी तो जरूर डालेंगे। राजस्थान की सियासत में पिछले 15 सालों को उठाकर देख लिया जाए तो रोजगार के सपने युवाओं को दिखाए तो गए, लेकिन उसकी उम्मीद सपनों से आगे बढ़कर नहीं निकल पाई। ये जन टीवी का किसी राजनीतिक दल पर आरोप नहीं है, बल्कि सीएजी की रिपोर्ट को ही माने तो पिछले 15 सालों के अगर पूरे घोषणा पत्र को देख लिया जाए तो रोजगार की बात सबसे ऊपर रही है, लेकिन अभी भी 33 लाख बेरोजगार युवक राजस्थान की सड़कों पर खाक छान रहे हैं। बाद 2003 के भाजपा के घोषणा पत्र की कर लें तो हर साल 1 लाख रोजगार देने की बात थी, जबकि 2008 के घोषणा पत्र की बात कर लें तो 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया था, जबकि 2013 के वादे की बात कर लें तो 5 सालों में 15 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किया है। उसके अलावा न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं के लिए रोजगार, उद्योगों में रोजगार के साथ ही रोजगार के कौशल विकास के तहत वृद्धि करने की योजना भी भाजपा के घोषणा पत्र में रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि युवाओं को रोजगार के अवसर सिर्फ सपने में ही मिले हैं। युवाओं को रोजगार के लिए सब्ज बाग दिखाने में भाजपा ही नहीं, कांग्रेस भी 4 कदम आगे है। भाजपा का आरोप कि लंबे समय से कांग्रेस देश में राज कर रही है, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। अगर कांग्रेस के वादों की ही बात कर लें तो 2003 में महाराष्ट्र के तर्ज पर रोजगार गारंटी योजना को लागू करने की बात कांग्रेस ने की थी। 2008 में भी 10 साल में युवाओं के लिए राजस्थान में रोजगार के इतने अवसर खड़े हो जाएंगे कि युवाओं को कहीं जाना ही नहीं होगा। और 2013 के घोषणा पत्र की बात कर लें तो कुशल कारीगर तैयार करके दूसरे राज्यों में भी राजस्थान अपना परचम लहराएगा, कांग्रेस की घोषणा पत्र में था। जमीनी हकीकत की बात कर लें तो दोनों राजनीतिक दलों के वादे सिर्फ कोरे कागज पर लिखे गए स्याही के कुछ अक्षरों से ज्यादा नहीं निकले। आज 2018 के घोषणा पत्र की तैयारी में दोनों राजनीतिक दल दावों में बड़ी बड़ी उम्मीदों का सब्ज बाग दिखा रहे हैं। युवाओं को लेकर भाजपा ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली है और प्रदेश से
अमित शाह के चुनावी रैली की शुरुआत ही युवाओं के कार्यक्रम से किया गया। अब सबसे अहम ये है कि भाजपा और कांग्रेस के आने वाले घोषणा पत्र में युवाओं के लिए मजबूत नीतियां होंगी, आगे के सपने होंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा तो पूरा करने का वो रास्ता जो 15 सालों से चल रहे सफर में अभी तक पूरा नहीं हुआ और अगले कई सालों तक वादों के रास्ते पर सिर्फ चलता हुआ ही दिखेगा और युवा रोजगार को सपने में ही पाता दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो युवा इंतजार में है कि रोजगार का कौन सा मंत्र ये राजनीतिक दल राजस्थान में देंगे, क्योंकि 33 लाख हाथ बेरोजगार हैं और ये सीएजी की रिपोर्ट से सामने आया है। अब राजनीतिक दल इसका क्या तोड़ निकालेंगे, चुनाव तो जीतना है, वादे भी करने हैं, जनता को बताना भी है, वो लुभावने भी हों इसका पूरा इंतजाम राजनीतिक दल जरूर करके आएंगे, हालांकि जवाब में सिर्फ वादे ही होंगे। बहरहाल जिस तरीके से सोशल मीडिया अभी एक्टिव है और सोशल मीडिया में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, प्रशासन ने चुनावों के मद्देनजर सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने की एक प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर चुनाव को लेकर जिस तरीके से बयान आ रहे हैं और फोटो जारी हो रहे हैं, अगर वो किसी भी तरीके से किसी धर्म, जाति विशेष को, व्यक्ति को कहीं से प्रभावित करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। प्रशासन की क्या तैयारी है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी और राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने नियम भी जारी कर दिए हैं। सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को इन नियमों के सख्ती से पालना करने की हिदायत भी दी गई है, लेकिन चुनाव समय के आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। सोशल मीडिया पर फेक फोटो, वीडियो और मैसेज भी वायरल हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती का मन बना लिया है। इन प्रक्रियाओं में हमेशा कोशिश करती है कि सोशल मीडिया पे जो भी फेक न्यूज या कोई ऐसा संदेश जो प्रभावित कर सकता है किसी के व्यक्तित्व को, किसी के मानहानि को, तो इसमें लगातार ऐसा नहीं कि अभी बहुत पहले से इसमें लगातार डायरेक्शन दिए जाते हैं और डायरेक्शन जो है वो भारत सरकार के द्वारा भी, राज्य सरकार के द्वारा भी और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से दिए जाते हैं। चुनावी माहौल में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले फेक मैसेज या वीडियो को लेकर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। सोशल मीडिया पर फैल रहे फेक मैसेज को लेकर राजस्थान स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो निगरानी रख रहा है। राजस्थान स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने चुनावी माहौल के बीच सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली फेक न्यूज को लेकर आमजन को जागरूक करने की जरूरत बताई है। इसके लिए आमजन से अपील भी की है। वही दूसरी ओर फेक मैसेज जारी कर शांति भंग करने वाले सोशल मीडिया ग्रुप के एडमिन को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी कर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इसमें कई तरह के नोटिस जारी हुए हैं, इस तरह के जो लोग जिनसे लगता है कि ये शांति भंग हो सकता है, इस तरह के मैसेजेस का प्रभाव पड़ सकता है, उनको व्यक्तिगत रूप से नोटिस वगैरह जारी किए जा रहे हैं। जो पुलिस का जो भी प्रोफाइल है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, साइबर क्राइम का हो, सभी लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। प्रदेश के चुनावी समर के बीच प्रत्याशियों व राजनीतिक दलों के बीच तेज हुए आरोप प्रत्यारोपों के बीच ही सोशल मीडिया पर भी फेक मैसेज तेजी से वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने ऐसे वायरल मैसेज से सतर्क रहने की अपील जारी कर सख्त कार्रवाई के चेतावनी भी दे दी है। तो सोशल मीडिया पर अगर आप कोई मैसेज डालते हैं तो आप सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग ज्यादा मजबूती से हो रही है। और अगर आप किसी ग्रुप के एडमिन हैं तो ध्यान यह भी रखें कि कोई इस तरीके का वीडियो भी न जारी हो जिससे आपको परेशानी हो जाए। तो आज की सियासत में बस इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।